स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो वीडियो देखने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए, आज मैं आपको ये जो हमारी पल्सर 125 है स्प्लिट सीट, और तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि मैंने अभी तक इससे कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मीटर की, जिसमें हमें जो फ्यूल टैंक है, ये देखिए मैंने ऑन किया इसको, तो ये जो फ्यूल का, ये देखिए ये जो बताता है फ्यूल का इंडिकेशन जो करता है, तो ये कभी भी आपको पूरी तरह से सही नहीं बताएगा। मतलब अगर आपके पास ऐसा मानिए, अगर आपके पास तो जब आपने बाइक को स्टार्ट किया तो दो यहाँ पे जो दो डंडे थे वो खड़े थे, तो थोड़ी देर में ये तीन हो जाएंगे या फिर एक हो जाएगा, मतलब आगे पीछे चलते ही रहते हैं। तो ये एक इसकी प्रॉब्लम है कि आपको ये और चीज़ें ही बताएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताएगा ये मीटर। तो इसके भरोसे बिल्कुल मत रहना, थोड़ा बहुत एक तो डंडे ये ज़्यादा या कम ही दिखाता है। और ये देखिए, इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ इसका ये जो ये टायर हगर है, ये देखिए ये टायर हगर भी इसकी कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये देखिए टायर हगर, ये बहुत ज़्यादा हिलता है, हिलता तो चलिए हिलना तो ऐसा ही है, पर इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ही पतले तरीके का मटेरियल प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है, जो थोड़ा सा और हार्ड होता तो बढ़िया होता इसमें। तो अब देखिए, अब बात करते हैं इसके जो रबरिश में पल्सर लिखा है, ये बहुत अच्छी ये लुक देता है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ बुरा है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत ये जो पल्सर कॉपी है, इसका ये जो डंडा जैसा है वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि निकल जाता है, पल्सर की जगह डल्सर बन जाता है, तो एक ये प्रॉब्लम है। और ये देखिए धूल भी ये पकड़ता है ये रंग। और इसके बाद एक प्रॉब्लम जिसे आप एक छोटी या कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें ये देखिए आप इतना नीचे झुकना पड़ेगा कि आपको आगे की नंबर प्लेट ही नहीं दिखाई जाती। ये देखिए ये मुंह इसका कितना नीचे है और नंबर प्लेट देखिए, तो ये आपको जो बीच वाली जो नंबर प्लेट में जो आपके नंबर लिखे हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए बहुत ही अजीब सी कुछ चीज़ हुई है ये। और एक प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं मेरी बाइक में है या सभी में ही है कि इसका ये देखिए ये स्टैंड ये कुछ खड़ा सा है, कुछ झुका नहीं ज़्यादा। वीडियो में तो आपको पता नहीं, मैं कुछ और भी आपको दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे, पता लगे इसके बारे में। ये देखिए मैंने हैंडल मोड़ा तो अभी ये देखिए ये बाइक सीधी ही खड़ी रहती है, थोड़ी सी झुकती है। ये देखिए पीछे से भी मैं दिखाता हूँ, ये बाइक ज़्यादा नहीं झुकती, ये देखिए खड़ी ही रहती है बिल्कुल, और लगता ही नहीं कि इसे इस स्टैंड पे, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो सेंटर स्टैंड है उसे टेढ़ा करके लगाया है, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है मेरे को। तो बाकी पता नहीं अब ये क्या है, ये मुझे खुद ही टेढ़ा करवाना पड़ेगा। ये देखिए टेढ़ा क्या भाई, थोड़ा सा एक बैंड जैसा इसमें डालना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे ये झुका है बाइक को। ये देखिए बाइक को मैं उठा के बताता हूँ, ये देखिए इतने पे सीधी और बस, ये देखिए इतनी सी झुकती है बाइक सीधी और बस, इतना सा ही इसमें फर्क है। ये देखिए जो इसमें लगता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। और बात करते हैं इसकी एक और प्रॉब्लम की जो इसके हॉर्न में है, तो ये देखिए हॉर्न के पास मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए ये रहा हॉर्न, तो ये हॉर्न भी ऐसे नहीं कि कुछ बुरी या कुछ बुरी चीज़ है इसमें, पर ये जो इसका जो ये है सिर्फ एक ही हॉर्न इसका जो ये आता है, ये डुअल में आता है, तो बहुत अच्छा साउंड और जोर का साउंड निकलता। और इसका चेंज ऐसा नहीं कि जैसे पल्सर 150-180 जैसा है, कुछ और जैसी आवाज़ है पर अच्छी है। और उसके बाद ये देखिए इसका जो ये क्लच है वो इतना लाइट आप नहीं कह सकते, कुछ हार्डर साइड में है। ये देखिए प्रेशर पड़ता है हाथ में इसको दबाती बार, ये देखिए ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाइक को लेंगे तो आपको बाद में कुछ ऐसा ना लगे कि जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी कह सकते हैं। और ये देखिए एक इसकी ये मिरर के साथ, ये देखिए सब कुछ जुड़ा है, ये हिलता है, पता नहीं आपको वीडियो में पता लगेगा कि नहीं,
ये देखिए पूरा हिलता है, ये भी क्लच भी हिलेगा, ये जो स्विच हैं ये सभी हिलेंगे, तो ये भी एक बात है इसकी। और जो स्विच क्वालिटी है वो भी अच्छी ही है, ज़्यादा बुरी नहीं है। ये देखिए किल स्विच है तो अच्छा है ये भी, ज़्यादा आपको इससे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बाइक 125 सीसी में आपको हमको स्पोर्टी लुक देती है, तो बस इतना ज़्यादा भी तो एक्स्ट्रा प्राइस हो जाता। और ये देखिए ये तो इसकी जो बजाज की कह सकते हैं कि ज़्यादातर बाइक में ये प्रॉब्लम है कि ये जो बजाज का लोगो है ये निकलने लगता है। ये देखिए मेरा भी निकलने वाला है, ये चिपकाना पड़ेगा, थोड़ा सा निकलने वाला, पता नहीं आपको लगेगा पता वीडियो में या नहीं। और एक ये देखिए एक इसकी ये प्रॉब्लम भी है जो इसकी सीट्स के साथ है। ये देखिए पहले इसको खोल लेते हैं, तो ये देखिए इसको खोलने का भी एक तरीका है, पहले आप दूसरी साइड से ये देखिए एक हुक जैसी अंदर गई होती है, और दूसरी साइड से एक जो चौर्स जैसा होता है वो उसको निकालते हैं। आप देख लेंगे जब आप बाइक लेंगे तो आप जरूर देखना इस चीज़ को, बताने में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। ये देखिए नियॉन कलर में जाल लगी है। ये देखिए अब ये जो इसकी ऊपर वाली है इससे पीछे की सीट खुलती है, और नीचे वाली से आगे वाली। ये देखिए ये पीछे वाली भी नीचे वाली भी मैं खींचता हूँ दोनों। ये देखिए तो ये सीट खुलती ही नहीं है, आगे वाली तो ज़रा भी नहीं, ये देखिए ज़रा भी नहीं खुलती। ये देखिए आगे वाली तो ये पता है, चलिए आगे वाली तो ज़्यादा ज़रूर नहीं है खोलना, लेकिन पीछे वाली ज़रूरी है। ये देखिए ये रेड कलर की आगे वाली है और येलो कलर की पीछे वाली, तो ये देखिए दोनों मैंने खींच दी है, पर ये देखिए ये खींची दोनों पर नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऊपर वाली खींचे। ये देखिए अब जाके खुली है, ये देखिए पीछे वाली, तो आपको 3-4 बार इसे खींचना ही पड़ेगा तभी ये खुलेगी। ये देखिए अंदर स्पेस आपको टूल किट मिलेगी, ये आपके कागज़ गाड़ी के, तो अच्छा है ये चीज़ तो अच्छी है बजाज ने की हुई। तो बस ये थी, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इसको सीट को खोलें तो आराम से करें। और बस यही था आज जो मेरे को लगा कि ये वीडियो में आपको बताना चाहिए, तो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अगर आप मेरे से कुछ कमी रह गई है तो मुझे क्षमा करना। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।